समझ रहे हैं भगवान मतलब। की को, योग योगी क्षमा पर राम लाल जी, योग मार्तंड बोलते श्री भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्सर स्वामी देवदास भगवान जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यह आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का जो ये है वो ये है कि गुरु शक्ति की महिमा का वर्णन और गुरु किस प्रकार शिष्य के घट में आकर ज्ञान उपदेश के साथ शिष्य की आत्मा को प्रकाशित कर देते हैं, शिष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाले केवल और केवल गुरु शक्ति है। शिष्य के अंदर से मोह ममता काम क्रोध लोभ अहंकार इन सभी तामसिक वृत्तियों का विनाश करने वाले केवल गुरु होते हैं और हर पल आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कराने वाले गुरु होते हैं और गुरु ही प्रेरणा स्रोत हैं शिष्य को हर पल कर्म के लिए, इसके बिना तो कोई भी नहीं कर सकता। और अगर गुरु हमारे साथ है तो परम परमेश्वर हमारे साथ है, गुरु की शक्ति उनकी दया हम पर है तो परमात्मा का प्यार उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, उसके बिना जीव परमात्मा को नहीं पा सकता है, ना आध्यात्मिक जीवन जी सकता है ना आध्यात्मिक राह पर चल सकता है, क्योंकि हमारे जन्मों के कर्म है, संस्कार है, प्रश्न है। महाराज जी स्वयं प्रश्न करते हैं, इंसान दुनिया से कैसे निकल सकता है, यानी कि संसारिकता से कैसे बाहर आ सकता है? उत्तर क्या है? इंसान अपने संकल्प से दुनिया के संसारिकता से निकल सकता है। इंसान का संकल्प स्ट्रांग होगा तो वह चाहेगा कि मैं संसार से बाहर आऊं, दुनियादारी से बाहर निकलूं, तभी वो बाहर आ सकता है। संकल्प संकल्प स्ट्रांग कब होता है? जब हमारा कंसंट्रेशन स्ट्रांग होती है, मन जितना एकाग्रित होगा उतनी आपकी संकल्प शक्ति तीव्र होगी, जितना संकल्प शक्ति तीव्र करोगे वही आपको प्रैक्टिकली मिलेगा। मेरे जीवन का अपना एग्जाम्पल था, अंजू ने मैंने दोनों ने संकल्प किया कि अपने संसारिक रास्तों में नहीं जाना, हमने तो परमार्थ में ही रहना है। ठीक है, पहले मैंने संकल्प करा, फिर बहन जी ने संकल्प करा, बहन जी को देखे मेरे अंदर संकल्प आ गया, ऐसे रह रही है मैं क्यों ना रह सकती, मैं जाऊंगी ऐसे ही, बहन जी फंसा चक्रों में। भक्ति में रहना है, गुरु की सेवा में रहना है, गुरु के चरणों में जीवन देना है। बड़ी अड़चने आई, ब्राह्मण फैमिली की बच्ची, एक्सियन पिताजी और दादाजी में राय साहब थे, पंडित में बहुत माना रेप्यूटेड परिवार, उस परिवार के एक बच्ची चली जाए गुरु के चरणों में, पिताजी कहते ना बेटा मेरा तो कलंक लग जाएगा, ऐसे ना कर। परंतु संकल्प इतना तीव्र था, हार मान के महाराज के आशीर्वाद से मेरी जीत हो गई। कई साल के बाद, 5-6 साल के बाद पिता ने कहा, अच्छा बेटी तेरे को यही जीवन लेना है, तो ले। पिताजी महाराज के चरण में आए, कहते महाराज मेरी 7 बेटियां हैं, 6 की तो शादी कर दी, ये बेटी आपके हवाले है, आप इसके सब कुछ है, आपने जो संभालना है। ये संकल्प कैसे पूरा हुआ? ये जो मेरी इच्छा संकल्प स्ट्रॉन्ग थी, ऐसे अंजू ने देखा दीदी तो सेवा में लगी हुई है, मैंने भी सेवा में लगना है, मैंने नहीं करना चाहती हूँ। उसके जीवन में बड़ी बड़ी अड़चने आई, ना उसके मामा माने, माता ना पिता, आखिर उसका संकल्प ने स्ट्रॉन्ग था, हो गया। ऐसे ही जब आप संकल्प करोगे
मैंने परमार्थ की रात मस्त भी रहना है, भगवान पूरा करेंगे। संकल्प करोगे मैंने सेवा करनी है, कौन रोक सकता है आपको? मेरे ध्यान करना है, कौन रोक सकता है? मैंने परहित में जीवन देना है, कौन रोक सकता है? आपके संकल्प अगर कमजोर है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। वो इच्छा संकल्प स्ट्रांग है, हर इच्छा ब्रह्म शक्ति आपकी पूरी करती है। ब्रह्म शक्ति का साकार रूप हमारे सामने, इनमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, यही ब्रह्म है, यही चला रहे सृष्टि को। भगवान एक है और एक है, एक ही भगवान सारा संसार को चलाता है, क्योंकि नाम रूप अनेक है। युग युग में वो अलग अलग रूप में उतार लेते हैं। आगे महाराज जी फरमाते हैं, प्रश्न उठता है, संकल्प दृढ़ कैसे करें? अभी कहा ना, संकल्प को स्ट्रॉन्ग करो तभी वो इंप्लीमेंट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। गुरु का नाम निरंतर, गुरु के नाम का निरंतर अभ्यास हमारे संकल्प को दृढ़ करता है। 24 घंटे परमात्मा का नाम लेते रहो, अपनी वृत्तियों को उनके साथ भेद कर दो, आपका संकल्प स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि आपकी तब क्या होगी, वृत्तियां एकाग्रित हो जाएगी। जितनी वृत्तियां एकाग्रित होगी उतना संकल्प स्ट्रांग होगा। आगे कहते हैं, आगे महाराज जी कुछ संदेशा दे रहे हैं गुरु पूजा के लिए। गुरु पूजा में आने वाले भक्तों को मेरा आशीर्वाद, सब योग अभ्यास ध्यान में अधिक से अधिक समय दें, अपने बच्चे वे बुजुर्गों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। आज भी महाराज जी हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं, योग अभ्यास में ध्यान में अधिक से अधिक समय दें, अपने बच्चों को प्रेरणा दे, उनको भी ध्यान में बैठाए और बुजुर्गों को भी योग करने के लिए ध्यान में बैठने के लिए प्रेरणा दे। ये समय की मांग है। आजकल बहुत ये समय बहुत कलयुग का अंतिम चरण की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत विकराल समय आने वाला है। इस समय में हमें एक ही चीज बचा है, हमारा ध्यान और हमारा, इसलिए हमें निरंतर ध्यान और अभ्यास करना चाहिए। यह तब होगा जब आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 2 2.5 3 घंटे ध्यान में बैठोगे, सारा दिन पे वही चीज चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं। अब उठेंगे 8 8 बजे 9 9 बजे, 7 7 बजे सो ही रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो अनमोल घड़ी है, सो के बिता देंगे, तो कैसे है? सारा दिन अभ्यास नहीं चलता। सुबह सुबह आप जो अभ्यास में बैठते हो, ब्रह्म शक्ति आपको आशीर्वाद दे जाती है, सारा दिन आपका आनंद में गुजरता है, सारा दिन आप हर वक्त एक्टिव रहते हो, सही रहते हो, आलस प्रमाद कुछ आपके नजदीक नहीं आता। हर वक्त आपको दिल करता है तो ये कर लो, ये कर लो, चलो कर लिया सेवा, घर में बैठ जाओ, अच्छे कर्म करने को दिल करता है। ये जब ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग 2 2.5 3 घंटे अभ्यास करते हैं, उसके रिजल्ट कल मैंने अपने इस 74 एज में आज महसूस करती हूँ। रिकॉर्ड का काम ही नहीं, 15 दिन महाराज ने कृपा करके गुरु पूजा से पहले हरिद्वार आश्रम की सेवा में रखी, पता ही नहीं चला कैसे दिन बीत गए, रात बीत गए, कैसे तैयारी हो गई, कैसे सारा कुछ हो गया। शरीर बिल्कुल टायरलेस एक्टिव, कोई कोई बोझ नहीं कहीं भी। गुरु पूजा वाले दिन भी 1 मिनट नहीं सोई मैं, शाम को 4 बजे भोजन करा, रात को 11 बजे सोई, सुबह फिर एक्टिव। और 3 तारीख को शाम के 7 बजे तक
सारी पेमेंटें हो गई, आम खर्चा बना मन के अकाउंट्स क्लोज। 4 तारीख सुबह लगे भूतों की तरह, दोपहर तक समेटा समेटी, फिर देखा कि अभी 4 बजे ऊपर गई जो लंगर की रसोई, बर्तन तो धुल गए थे पर अभी भी डिस्टर्बेंस था। सब सेटिंग करते करते 2 ढाई घंटे लग गए, पसीना पसीना, परवाह ही नहीं पसीने की, ना कोई गर्मी ना भूख ना प्यास। सेटिंग कर के बस सवाच नीचे आई, भक्तों ने भी कुछ आना था वो भी उन्होंने तो प्रसाद उठा दिया, बाकी भक्तों को प्रसाद दिया। 6:30 बजे ओवर करा, वैसे कुंती महारानी ने जो चाय पिलाई होने से चल पड़ी और पूरे 10:15 गणना पहुंची। ऐसी कृपा भगवान, ये तब होता है जब आपको किसी भी काम में उत्साह उत्साह बना रहे। जिस काम में आप उत्साहित रहते हो उस काम में थकावट का कोई काम ही नहीं। जो काम बोर लगता है उसमें तो लगता है कि थोड़ा सा काम करते थक गए, इसीलिए ये उत्साह देता है आपको सुबह की ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास, बहुत पावर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में अथाह प्राण शक्ति होती है, आज में बैठते हो तो प्राण शक्ति आपको प्राणों के द्वारा आपके अंदर एंटर करती है। प्राण शक्ति तो जीवन है, उसके बिना कुछ नहीं। लोग सोचते हैं कि भाई, और आसन का फायदा तब होता है जब आपके प्राणम प्राणायाम का अभ्यास पूरी हो, फिर आसन का फायदा है, फिर क्रियाओं का फायदा है। प्राणायाम के अभ्यास के बिना आसन क्रियाओं का क्या, इसलिए प्राणायाम 24 घंटे चला वो क्या, शरीर में श्वास भरो उतारो भरो उतारो, हर श्वास में कुछ प्रभु का नाम, ज्ञान हो जाएगा। आगे महाराज जी फरमाते हैं, योग ये उपदेश है महाराज जी का, योग करने वाले के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियां चलने लगती। योग करता है अपनी वृत्तियों को, अपने अंतर आत्मा में हर पल अपने गुरु के प्रेजेंस का अनुभूत करता है, योग युक्त रहता है, उसके साथ साथ ईश्वरीय शक्तियां चलती है और उनका जीवन सुखमय सरल और निष्कंटक बना देती है। योग से आत्मा को उजाला मिलता है, परमात्मा भी योगी को प्यार करता है। योग से आत्मा को उजाला मिलता है, तो आपके अंदर एक साइकिक पावर स्ट्रांग होता है, प्रकाशित होता है, वो पावर आपको एक शुद्ध पवित्र ज्ञान देता है। हर पल आप हर एक को पॉजिटिव एंगल से देखते हो, आपकी दृष्टि धनात्मक हो जाती है। 4, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, दूसरों को सुख देने वाले, नहीं तो हम तो दूसरों को दुख देख के खुश होते हैं और हम कुछ भी टेंशन में रहते हैं, दूसरों को टेंस कर देते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि तुम योग अभ्यास करके अपने स्वभाव में स्थित रहो, शांत रहो, स्थिर रहो, सुमेरु पर्वत की तरह अचल रहो, समुद्र की तरह गंभीर, ये तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। तब होता है जब हम योग अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न होता है, आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या है वो, जो भक्त हरिद्वार नहीं पहुंच सके उनका क्या होगा। आप में से बहुत लोग हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, मजबूरी है, जीवन का सिस्टम है, लाइफ स्टाइल है। इसके लिए प्रश्न पूछा महाराज जी ने, जो भक्त हरिद्वार नहीं पहुंच सके उनका क्या होगा। उत्तर ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया उत्तर है, पर आप लोग काम के लिए उत्तर है, आप लोग के काम का उत्तर है क्या, जो भक्त मेरी भक्ति रस में डूबे हुए संसारिक कर्तव्यों में लीन है, जो भक्त मेरी भक्ति रस में डूबे हुए संसारिक कर्तव्यों में लीन है, मैं उनके साथ सदा रहता हूं। यानी उनको हर बार आने का पूरा फल मिल दे देता हूं, मिल गया हूं, प्राणों में किया चिंतन कभी बेकार नहीं जाता,
भक्ति रस में वही डूबेगा जो प्राणों में गुरु के नाम का चिंतन करेगा, वही गुरु के प्रेम में पर है। इसका चिंतन किया हुआ चिंतन बेकार नहीं जाता। कहते कि आगे महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सभी योगी वह योगी संत एक ही चेतना से जुड़े हैं, एक ही चेतना, एक ही ब्रह्म शक्ति, कोई अंतर नहीं। महाराज जी फरमा रहे हैं आज सभी का कार्य अपने शरणागतों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। रामनाथ प्रभु जी ने अपने शरणागतों को भक्ति मार्ग में चलाया, लखनऊ प्रभु ने चलाया, गिरधर प्रभु ने चलाया, अभी चला रहे, एक ही शक्ति हुई। सभी महापुरुष एक ही चेतना शक्ति से जुड़े हुए, उनका कार्य एक ही है कि अपने शरणागतों को भक्ति मार्ग में चलने की प्रेरणा। भक्ति का मतलब समर्पण, परहित में रहना, प्रेम करना, रानी मात्र से प्रेम करना। इसके लिए वह कदम कदम पर रास्ता भी दिखाते हैं। महापुरुष अपने शरणागतों को पग पग पर रास्ता दिखाते हैं और उनको जागरूक करते रहते हैं, सजग, एक्टिव। बेटा आलस नहीं करना, दिमाग नहीं करना, गाय बह नहीं चलना, एक ही रास्ता भक्ति के रास्ते में, गुरु के रास्ते में चलना। ये ऐसे महापुरुष अपने शरणागतों को ऐसी प्रेरणा देते। आगे है एक प्रश्न आया, कृपया रामलाल महाप्रभु जी के जीवन की कोई घटना सुनाइए। प्रश्न करते हैं महाराज जी, उत्तर क्या है? तो पता है क्या उत्तर है? अरे क्या उत्तर देते हैं? ध्यान में बैठे अपने पता चल जाएगा। रामलाल महाप्रभु जी की जीवन की कोई भी घटना अगर आप सुनना चाहते हो, ध्यान में बैठ जाओ, भाई फरमाते हैं अपने पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु जी ने त्रिशूल क्यों रखा हुआ है? वहां प्रभु जी ने अपने साथ त्रिशूल रखा हुआ है। महाराज जी फरमाते हैं तीनों नाड़ियों के वेदन का प्रतीक है। तीनों नाड़ी कौन सी? पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीनों नाड़ियों का वेदन का प्रतीक है क्या? त्रिशूल। सदा ध्यान करे, मस्त रहे, प्रभु कृपा बरसती रही। लास्ट में महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया हम सबको? सदा ध्यान करे और मस्त रहे, कछु लेना ना देना, मगन रहना, गुरु चरणों से लिपटे रहना। ध्यान करे, सदा मस्त रहे, इससे क्या होगा? गुरु की कृपा बरसती। महाराज जी फरमाते थे ना मैंने हंस के पाया, ना मैंने रोके पाया, जो कुछ भी पाया केवल और केवल तेरा रोके पाया। एक तू हुआ ते मैं हुआ, तुझे और कोई ना हो। मेरे एक ही रिश्तेदार है, कौन? रामलाल मुखराज और देवीदार, दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं। इस भाव से पियेंगे तो उनकी कृपा हाँ बरसेगी। इन शब्दों के साथ आज का सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सुखदेव भगवान की जय। योगेश महा रामलाल जी, मुकेश्वर भगवान, सत्सर देवीदार भगवान की जय। वो प्रभु आपकी सदा की जय।